साल 2020 कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया के साथ भारत में भी लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया था। ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लागू हो गए थे, इंटरस्टेट ट्रेवल्स पर बैन लग चुका था, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री अपने घुटनों पे थी। साल के आखिर तक जब कोविड लॉकडाउन खुल गया था, मैं और मेरे तीन दोस्त निकल पड़े थे नामेरी नेशनल पार्क की ओर। करीब 9 महीने के बाद शहर से बाहर निकला था, हाईवे पर गाड़ी चलाने का एक अलग ही मजा आ रहा था। गुवाहाटी से 122 किलोमीटर चलने के बाद जब भूख ने सुबह के नाश्ते के लिए दस्तक दिया तो हम नौगांव टाउन पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके। गर्मा गर्म पूरी सब्जी और चाय के साथ नाश्ता करने के बाद हम एक बार फिर निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। गुवाहाटी से 217 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे नामेरी नेशनल पार्क। हाईवे से उतर के अब हम कच्चे रास्ते पर से होते हुए अपने कैंप की ओर बढ़ रहे थे। कैंप पर काफी सारे टूरिस्ट आए हुए थे। हम लोगों ने कैंप के अंदर चल के देखा तो बहुत सारे छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए थे और बहुत सारे टेंट्स भी लगे हुए थे। हम लोगों ने अपना टेंट और अपना कॉटेज रिजॉर्ट के एकदम आखिरी एंड में लिया था, जहां हमारे अलावा और कोई नहीं था। टेंट के अंदर चल के देखा तो शाम के लिए प्लानिंग चल रहा था। शाम ढली तो कैंप फायर के पास बैठकर जंगल की कहानियों में खो गए। सुबह का नजारा शांत और ताजगी से भरा था। जॉगिंग और कैंप में चाय पीने के बाद हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। यूटो नामेरी नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, सांबर, बार्किंग डियर आदि, बट हमें जंगल में कुछ नहीं दिखा। गार्ड भैया ने हमें जंगल के बारे में बहुत कुछ बताया और साथ ही ऐसे नजारे देखने को मिले कि दिल खुश हो गया। ट्रैकिंग के बाद हम राफ्टिंग करने के लिए गए। जियाभरुली नदी में राफ्टिंग का एक अलग ही मजा था। पानी का भाव भी काफी तेज था। हम इस एडवेंचर का पूरा लुफ्त उठा रहे थे। ये हम सब के लिए राफ्टिंग का पहला एक्सपीरियंस था। राफ्टिंग के दौरान भी हमें असम के काफी सारे खूबसूरत नजारे देखने को मिले। असम इज ट्रूली ऑसम असम। दिन भर के एडवेंचर के बाद शाम के टाइम हम भालुकपुंग की ओर ड्राइव के लिए निकल पड़े। भालुकपुंग अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ काफी खूबसूरत लग रहे थे। ढलती हुई सूरज के साथ हमारा ये ट्रिप भी खत्म हो रहा था। नामेरी में दोस्तों के साथ बिताया हुआ हर एक पल एक खूबसूरत याद बन के हमेशा के लिए रह जाएगा। हमारे इस सफर में बने रहने के लिए धन्यवाद।